सो हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत है आप सभी का नई फ्रेश वीडियो में। आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ क्या चीज, जो चीज है कि ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा सस्ता मिलता है या ऑनलाइन मार्केट में ऑफलाइन ज्यादा बढ़िया फोन मिलता है या ऑनलाइन, और फायदा कहाँ है फोन लेने का उसके बारे में। तो जल्दी स्टार्ट करते इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि अगर मैं जाता हूँ ऑफलाइन मार्केट में लेने फोन, तो उसमें हमको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं फोनों को। फोन को हम देख सकते हैं कि भाई साइज कैसा है, उसका वेट कैसा है, कैमरा कैसा है, कैमरे का बम्प कितना है, स्क्रीन क्वालिटी रियल में कैसी है, बेजल्स कितने हैं, और ऑफर भी हमको काफ़ी मिल सकते हैं, क्या पता दुकान वाला कोई डिस्काउंट दे दे। कई लोग अभी भी ऑफलाइन मार्केट में ऐसे हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो जाते हैं अभी फ़ोन चाहिए हमें, एक स्मार्टफोन चाहिए, जितना सस्ता हो सके वो मिल जाए। तो आईटेल हो गया, टेक्नो हो गया, ऐसे ऐसे इन्फिनिक्स हो गया, ऐसे ऐसे ब्रांड है जो मतलब 5-6 हज़ार की रेंज में काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें आपको क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं मिलती। वो टारगेट होते हैं जिनको पता नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो ऑफलाइन मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड है इस रेंज में। अगर आप थोड़े ही ज़्यादा खर्चे तो आपको काफ़ी ज़्यादा और कंपनियाँ मिल सकती है, जैसे रेडमी शुरू हो जाती है 6-7 हज़ार से, और आपका ओप्पो वीवो के भी आ जाते हैं, साथ में पोको के भी आने लग गए। तो ये काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन मार्केट में आपको मिल सकती है काफ़ी सारी डील्स, जो कि अगर आप लेना चाहते हैं EMI पे फोन। मान लीजिए आपको ऑनलाइन लेना, ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शन बहुत कम रहते हैं, ऑनलाइन में आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है या कोई कार्ड बना होगा तभी हो सकता है। ऑफलाइन में आपका ये फायदा, आप शॉप पे गए, हमको EMI पे चाहिए, आपका सिविल ठीक है, तो आप चुटकियों में अपना EMI पे फोन ले सकते हैं। कई बार ऑफर निकलते जीरो डाउन पेमेंट में, तो वहां भी आप जा सकते हैं। तो ऑफलाइन में आपका एक और फायदा ये हो जाता है। हाँ, ऑनलाइन में आप क्या फायदा है वो भी थोड़ा बहुत बात कर लेते, कि यार ऑफलाइन की बात कर लेते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत फायदा होता है। ऑनलाइन में क्या फायदा है, ऑनलाइन में आपको थोड़े मॉडल्स ज्यादा मिल सकते हैं, थोड़ी स्पेसिफिकेशन शायद बेटर मिल सकती है थोड़ी ऑनलाइन मार्केट से। और ये ध्यान रखना है कि आप मंगा कहाँ से रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सारी जो साइट्स है, जो ऑथराइज साइट्स है, वहाँ से ही मंगा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कल को कोई दिक्कत होती है तो आप किसको बोलेंगे। ऑफलाइन मार्केट में सबसे ज़्यादा फायदा है जो कि पुराने फोन्स का है। अगर आप पुराने फोन्स ले रहे हैं किसी शॉप से, नहीं तो किसी ऐसी शॉप पे जाए जिसको आप काफ़ी टाइम से, जिससे आप डीलिंग कर रहे हैं, या कोई ऐसे जिसका थोड़ा मार्केट में नाम हो या आपके एरिया में नाम हो, वहाँ से आप ले रहे हैं, तो आपको ये होगा कि पुराने फ़ोन बढ़िया मिलेंगे, चेंज नहीं होगा कुछ उसमें। ये एक बड़ी चीज़ होती है यार, कई बार डिस्प्ले चेंज मिलती है, बैटरी चेंज मिलती है, या अंदर का कुछ रिपेयर मिलता है, तो ये चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि कई शॉप्स वाले ये चीज़ नहीं लेते, रिपेयर फ़ोन लेते ही नहीं, अगर लेते हैं तो वो सच बताते हैं कि इसमें ये चीज़ की दिक्कत है, ये चीज़ चेंज हो रखी है। तो ये आपको ऑफलाइन में पता चलेगा, ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में सीधे लिखो रिफर्बिश्ड है ये या रिन्यूड है ये, उसमें आपको कुछ नहीं पता क्या चीज़ उसकी चेंज हो रखी है, क्या चीज़ ओरिजिनल है क्या चीज़ नहीं है। सेलर से 6 महीने की वारंटी मिलती है, वो कहने को है, अगर आप मार्केट से लेंगे तो मार्केट में आपको कोई वारंटी नहीं मिलती ऑफलाइन में, ये नुकसान कह सकते हैं। मगर आप ऑनलाइन भी अगर रिफर्बिश्ड फ़ोन मिलते हैं तो आपको वारंटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सेलर कई बार मना कर देता है कि भाई नहीं हम तो नहीं दे पाएंगे, तो आप जाके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बात करेंगे, फिर वो लंबा प्रोसेस होता है, तो इतना दिमाग कोई ज़्यादा नहीं लगाना चाहता। वैसे भी 6 महीने की वारंटी देते हैं, तो 6 महीने तक बहुत कम चांस होते हैं कि आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आएगी। तो प्रेफर मैं ये करता हूँ, अगर आपने एक फ़ोन लेना है, अगर आपको पुराना फ़ोन लेना है, तो आप मार्केट में जाए, क्योंकि आपको फ़ोन की रियल कंडीशन और अंदर बाहर का सच पता चलेगा। ये फ़ायदा आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन मार्केट में आपको फ़ायदा हो सकता है जो डील्स पे है, वो है ऑनलाइन पे आपको न्यू फोन्स में, वो भी अगर सेल वगैरह लगेगी तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। वैसे आपको डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलेगा, बस ये है कि आपको फ़ोन थोड़े अलग मिल सकते हैं जो मार्केट में है। वैसे मार्केट में सारे अवेलेबल होते हैं ऑलमोस्ट, मगर फिर भी अगर आप एक कई बार अगर मान लीजिए आपने मार्केट में से कोई फ़ोन लिया है जो कि 20 हज़ार का है फॉर एग्ज़ाम्पल, उस पर आपको क्या पता ऑनलाइन 2 हज़ार का या 1,000 का कैशबैक मिल रहा हो किसी क्रेडिट कार्ड पे, किसी डेबिट कार्ड पे, ये आपको फ़ायदा हो सकता है ऑनलाइन मार्केट में।
ऑफलाइन में आपको शायद ये फायदा ना मिले, ऑफलाइन में आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको साथ साथ फोन मिल जाएगा और आप देख सकते हैं फोन का लुक कैसा है। मतलब मुझे ले सकते हैं वो चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फोन को आप जब तक यूज़ नहीं करें आपको पता नहीं चलेगा कि यार क्या क्वालिटी है, वेट कैसा है, मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा कि नहीं। क्या पता ऑनलाइन आपने फ़ोन मंगाया हैवी ज़्यादा निकला या स्क्रीन साइज उसकी ज़्यादा बड़ी लगी या आपको उतना पसंद नहीं आया, जो क्योंकि बहुत कम चांस रहते हैं कि जैसा दिखाया गया वैसा ही मिले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा रहता ही है और कैमरे की दिक्कत तो रहती है। तो ये मेजर फर्क रहते हैं आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में। वैसे आप किससे प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन से लेना या ऑफलाइन से लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मेरे को कि आप क्या प्रेफर करते हैं, मतलब ऑनलाइन ज़्यादा या ऑफलाइन, और आपने जो फ़ोन अभी यूज़ कर रहे हैं वो आपने कहाँ से लिया है। मेरे ओपिनियन में अगर आप नया लेना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपको बेस्ट डील्स मिल सकते हैं, ऑनलाइन आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं अगर आपको फ़ोन की नॉलेज है। तो नहीं है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, उसमें आपको मिलती रहेगी ऐसे नॉलेज, मतलब बताते रहते हैं कि हम कौन सा फ़ोन बढ़िया कौन सा फ़ोन नहीं है बढ़िया और किस किस रेंज में फ़ोन आ रहे हैं उसके बारे में। और अगर आप लेना चाहते हो ऑफलाइन से फ़ोन तो पुराना फ़ोन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि पुराने फ़ोन पर आपको डील्स बढ़िया मिल जाती है और फ़ोन थोड़ा ऐसे आपको दिख के पता चल जाएगा कि फ़ोन की असली कंडीशन क्या है अंदर से भी बाहर से भी। और ऑफलाइन भी अगर ले तो किसी ऐसे डीलर से ले जो थोड़ा सही हो, मतलब ऐसे भी किसी से जाके ना ले तो वो आपको रिपेयर्ड फ़ोन मिल सकता है, कुछ दिक्कत वाला फ़ोन मिल सकता है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। होप वीडियो अच्छी लगी, चलो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें।